स्टूडेंट्स क्लास 8 साइंस और चैप्टर सेकंड रनिंग ऑन रिलेटेड टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस टॉपिक. इन दिस वी डिस्कस अबाउट सम यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिटेल के अंदर कुछ यूजेज देखे थे रिलेटेड टू द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये अल्कोहल का प्रिपरेशन एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये फर्मेंटेशन से ही होता है, इसके फर्मेंटेशन से अल्कोहल फॉर्म होता है. लुईस पास्टर ने डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है. एक्चुअली आप इसको डिफाइन करें तो, लेकिन अभी आपके लिए डेफिनेशन यही लर्न करनी है आपको, ठीक है. नेक्स्ट यूजेस देखते हैं डिटेल के अंदर. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वेन एवर यू फॉल इल, अब जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट. एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं आपको, चोट लगती है बीमार होते हो तब भी कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सच एज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल है, ध्यान रखना आप इसको. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनका सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. एंड दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग. और ये क्या करते हैं, माइक्रो मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ये ग्रोथ को किल और स्टॉप कर देते हैं. एंड दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बींग्स प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई. आजकल बहुत सारे बैक्टीरिया फंडाइज करते, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी आपके क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं. क्लियर? जैसे देखिए आपके ब्लैंक के अंदर बताऊँ, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने 1929 के अंदर आपका एक पेनिसिलिन का बनाया था, पेनिसिलिन बनाई थी एंटीबायोटिक्स. क्लियर? यहाँ पूरा डिस्कस करना पड़ना, इसके बारे में दिया मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी. ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करके बनाई थी, ठीक है, क्योंकि ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, अनवांटेड ग्रोथ थी, उनको रोक रहा था. क्लियर? तो यहाँ बता रहा है सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाइज, फंजाइज से बने हुए हैं जो भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी बैक्टीरिया एंड फंजाइज से बने हैं. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज. और ये किससे बनते हैं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम से बनते हैं, और किस में यूज होता है, यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज. बहुत सारी वैरायटी डिजीज में क्योर करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रो बायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. ये लाइव स्टॉक्स जो आपके जो दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं उनको, या पोल्ट्री फार्मिंग होती है उधर भी जो एनिमल्स होते हैं जैसे मुर्गी या हेंस रिलेटेड, उनकी भी माइक्रो इन्फेक्शन है उसको भी चेक करने में इनका यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज. बहुत सारी प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है. और हमेशा एक चीज़ ही ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए आपके बॉक्स में बता रहा है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली एट द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. क्वालिफाइड लिखा है, क्लियर. डॉक्टर्स बहुत से होते हैं, एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, ठीक है. या फिर यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर. पूरा डॉक्टर जो दिखता है प्रिस्क्रिप्शन उसको आप प्रिस्क्राइब कोर्स बोलते हैं, वो आपको कंप्लीट लेना चाहिए पूरा. If you take antibiotics when not needed or in the wrong doses, it may take the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold flu as these are caused by viruses. ये cold और flu के में काम की नहीं है antibiotics, क्योंकि ये किससे cause होते हैं, virus से. और ज़्यादा लेने से आपके body के अंदर भी क्या करते हैं, beneficial bacteria को भी ख़त्म कर देते हैं. Clear? नेक्स्ट देखते हैं, इसी से अब मेडिसिनल यूज में वैक्सीन बनती है, टीका बनता है. आपने देखा होगा पोलियो के ड्रॉप्स लेते हैं, पोलियो का टीका लगाते हैं, वो भी इसी से बने. कैसे डिस्कस करते हैं. व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. जब भी क्या होता है, डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है टू फाइट द इन्वेडर, जो बाहर से आए उससे लड़ने के लिए. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. जब भी दोबारा कोई बीमारी ऐसी बॉडी में एंटर करती तो ये एंटीबॉडीज बने रहते हैं, ये रिमेंबर करती बॉडी को, पता है कि भाई हाँ इससे लड़ने के लिए ये काम के. जैसे कि अब एग्जाम्पल दूँ आपको, बॉर्डर पे फाइटिंग हो रही है तो अभी वहाँ पे BSF से है, ठीक है. जैसे कुछ भी फाइटिंग होनी स्टार्ट होती तो आर्मी आ जाती है वहाँ पर, ठीक है, BSF आ जाती है, क्योंकि आर्मी नो हाउ टू फाइट विद द जो भी आपके एनिमीज हैं उनसे कैसे फाइट करना है, उनको पता है, टेक्निक्स पता है. तो यहाँ पर भी उसी टाइप से फंक्शन है. ऐसा ये नहीं है कि BSF को नहीं पता है, उनको भी पता है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है. क्लियर? तो यहाँ पे बात करें
हर चीज़ के अलग अलग वर्क है। जैसे मुझे पेंसिल से वर्क करना है तो पेंसिल यूज़ होगी, पेन से करना तो पेन यूज़ होगा, क्लियर। और पेंसिल से लिखा है उसको इरेज करना है तो केवल इरेजर से ही इरेज होगा। तो वैसे ही बोल रहा हूँ, कोई डिजीज आपकी बॉडी के अंदर है तो उसके लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज होते हैं जो उससे फाइट करते हैं। दूसरे डिजीज के एंटीबॉडीज क्लियर करने वाले उससे फाइट नहीं करेंगे। जैसे मान लो आपकी बॉडी के अंदर आपको मलेरिया हो रखा है तो उसके एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर होंगे तो मलेरिया से हमें प्रोटेक्ट करेंगे, डेंगू से नहीं करेंगे, ठीक है। सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। उसके बारे में इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन, मरे हुए और बहुत कमजोर माइक्रोब्स बॉडी में डालते हैं जिससे बॉडी फाइट्स करती है और उन्हें किल कर देती है और प्रोड्यूस क्या करती है, सुटेबल एंटीबॉडीज। अब वही तो टीका होता है एक्चुअली, द एंटीबॉडीज रिमेंस इन द बॉडी वी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। पूरी जिंदगी हम हमारे उनसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से फॉर एवर हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स, ऐसे ही वैक्सीन वर्क करती है। क्या करते हैं, कोई डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है, फिर वो बॉडी उनको किल कर देती है, ठीक है, और उसके लिए सुटेबल एंटीबॉडीज बना देती है। तो इन फ्यूचर कभी वो डिजीज आपकी बॉडी में आती है तो उससे एंटीबॉडीज फाइट कर सके। जैसे आपके ऐसे ही आपके टीके बने, जैसे कॉलेरा का है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, या आपका हेपेटाइटिस है, ये सभी बने। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 के अंदर टीका बनाया था, क्लियर। इन योर चाइल्डहुड टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट, जैसे इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिव इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज, ठीक है, आपने भी बचपन के अंदर इंजेक्शंस लिए, वो टीके लगे आपको। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज, ये बहुत इसेंशियल है प्रोटेक्ट करना चिल्ड्रन को, ठीक है। अगर उनको टीका नहीं लगे तो बच्चों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उनको। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, आप टीवी पर न्यूज़ एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर भी रिगार्डिंग देखे होंगे, ठीक है। पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम देखा होगा, पोलियो अंडर पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है टू चिल्ड्रन, एक्चुअली ये वैक्सीन होती है वो। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू द इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट, पर ये स्मॉल पॉक्स को दूर करने के लिए भी कैंपेन चलाया गया था वर्ल्ड वाइड। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ओनली लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेज, आजकल बहुत सारे वैक्सीन बनती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट आपका है इसमें टॉपिक इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं ये, ठीक है। सम बैक्टीरिया है जिससे फिगर 2.7 पे आपने देखे थे, फिगर 2.7 से आपका ये देखिए, आपका फिगर 2.7 है आपके, ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग साइन ऑफ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल की, इनके बारे में पिक्चर्स हैं, उनके फोटोज हैं। आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, ये साइनोबैक्टीरिया हैं, एबल होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल, सॉइल को एनरिच करने के लिए विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उनके अंदर नाइट्रोजन ऐड करके। एंड दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। इन दिस वे दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और कौन इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी को, कौन सा बैक्टीरिया, एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी वाला है, क्लियर। आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि जो लेंथ ज़्यादा होगी तो अपलोड में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, नहीं तो हम और कैरी ऑन करते हैं इसको। होप यू लाइक दैट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम इसके हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में और जो आपका टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। होप यू लाइक दैट, थैंक यू।